बसना विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी संपत अग्रवाल के नीलाचल सेवा समिति कार्यालय में कांग्रेस के कई लोगों ने एक साथ भाजपा ज्वाइन की। वहीं कांग्रेस का साथ छोड़कर आए सभी कार्यकर्ताओं को भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर संपत अग्रवाल ने गमछा पहनाकर बीजेपी में प्रवेश दिलाया है। इस दौरान बीजेपी में शामिल हो रहे कार्यकर्ताओं ने कहा कि बड़ी उम्मीद से वे सभी कांग्रेस में शामिल हुए थे। वहां उन्हें कांग्रेस में घुटन महसूस हो रही थी और उनके क्षेत्र का विकास इस पार्टी में नहीं हो रहा था। भाजपा नेता संपत अग्रवाल ने बताया कि नीलांचल सेवा समिति के माध्यम से विधानसभा के अंतिम छोर तक सेवा करने का उन्हें अवसर मिला है और उसी के परिणाम स्वरूप आज हजारों की तादाद में युवा माताएं बहनें उनके साथ जुड़ी हुई है, जिससे कि आने वाले दिनों में बसना विधानसभा एक इतिहास रचेगा। मेरा नाम श्री संपत्ति सिदार जी है, मैं जामजुड़ा का रहने वाला हूँ और मैं आदिवासी हूँ और हम लोग जो हमारे राजा साहब को इतना दिन से सहयोग कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, अब वो हमारे समाज का भी कोई उन्नति नहीं किए, इसलिए हम संपत भैया को सहयोग करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा कार्यालय का उद्घाटन भी था और अभी तो ये शुरुआत है। हमारे गौण आदिवासी समाज और सौरा समाज के 10,000 लोगों का लिस्ट बन के तैयार है जो कांग्रेस को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने वाले हैं। आज हमारे जामजुड़ा के भाइयों के द्वारा शुरुआत की गई है और भी पहले भी कई लोग कर चुके हैं, बाकी अभी लोग के हिसाब से। मैं जयलाल यादव बांसीपुर के हूँ, मैं अभी तक कांग्रेस में हूँ, लेकिन अभी ये कांग्रेस की नीति और नियम से हम त्रस्त हैं। अब हम बीजेपी में प्रवेश करना चाहते हैं और गांव से 500 व्यक्ति से ऊपर बीजेपी में प्रवेश करना चाहते हैं।